न्यूज़ आई है कि सिक्किम में जो ग्लेशियर है तो ये जो है बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्टर तरीके से ये मेल्ट हो रही है, इवन इन कंपैरिजन टू द हिमालयन ग्लेशियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लेशियर जो है यहाँ पे, तो इसको हम समझेंगे कि ग्लेशियर में एक्चुअली है क्या, पूरे दुनिया के कितने परसेंट जो फ्रेश वाटर है ये ग्लेशियर में छिपे हुए हैं। तो इसके यहाँ पे जो मेन जो रिसर्च किया था, इसका जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ग्लेशियर जो मेल्ट हो रही है पूरे दुनिया में, इसका मेन कॉजेज क्या क्या है और इसके मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, तो इसका इफेक्ट कैसे कैसे होगा, तो आपके एनवायरमेंटल साइंस ऑफ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे रिसेंटली जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, उन्होंने यहां पे एक रिपोर्ट जो पब्लिश की थी, कहां पे पब्लिश की थी, साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट, एक जो इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल में। तो यहां पे बोला गया है कि जो सिक्किम की जो ग्लेशियर्स है ये हिमालयन ग्लेशियर से भी फास्टर तरीके से यहां पे अपनी जो मास ये लूज कर रही है। तो यहां पे हिमालयन ग्लेशियर और यहां पे जो सिक्किम ग्लेशियर है उसके ऊपर यहां पे काफी सालों तक कुछ रिसर्च वगैरह किया गया था, तो उसी का जो रिपोर्ट यहां पे पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ग्लेशियर क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे जो पहाड़ियाँ होता है, जो बहुत ही ठंडे जगह पे यहाँ पे आइस जो है इन द फॉर्म ऑफ जो फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ऐसे आइस छुपे रहते हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है, बिकॉज ग्रेजुअली जब टेम्परेचर इंक्रीज होती है, इसके लेटेंट हीट जो है रिड्यूस होने के वजह से इसके में अपने जो बॉन्डिंग ये ब्रेक हो जाती है। तो ग्रेजुअली इतना एक ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस जब अपने ही वेट में, जब ऐसे ही एक डिक्लाइन सिचुएशन में ये अपने ही वेट में अगर चली जाती है तो ग्लेशियर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्लेशियर क्या है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो फिजिकल ज्योग्राफी में इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ये एक परसिस्टेंट बॉडी है, एक डेंस आइस शीट जो अपने ही वेट में यहां पे नीचे चली आती है। तो इसमें जो है एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, जो एब्लेशन बोला जाता है यानी कि मेल्टिंग हो या सब्लिमेशन, यहां पे बहुत ही सेंचुरी से यहां पे जो जमा रहता है ये नीचे आ जाती है। तो अगर बात करेंगे पूरे के पूरे दुनिया में 99% जो ग्लेशियल आइस है ये पोलर रीजन्स में, जो ध्रुव एरियाज में रहते हैं। और ग्लेशियर अगर हम लोग जो कॉन्टिनेंट्स में अगर देखेंगे तो हिमालय हो, एंडीज हो, रॉकी माउंटेन्स वहां पे भी पाए जाते हैं। पूरे दुनिया का 10% जो है सरफेस जो है ग्लेशियर से ढके हुए, तो कितना ज्यादा फ्रेश वाटर वहां पे है। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर जो है लार्जेस्ट रिजर्वर ऑफ फ्रेश वाटर, जो पीने लायक या जो काम करने लायक पानी होता है यहाँ पे। तो अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे हम तो देखिए यहाँ पे हिमालयन रीजन में ये जो पिंक एरियाज है ये ग्लेशियर है, जो वेस्टर्न चाइना, कजाकिस्तान यहाँ पे इस एरियाज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे तिब्बत, नेपाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख यहाँ पे। देन अगर अलग अलग देशों के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ पे रशिया में देख सकते हैं, और रशिया के टॉप मोस्ट पार्ट में यहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड में यहाँ पे जो यूरोपियन जो एल्प्स माउंटेन यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, काफी ईस्टर्न पार्ट में भी देखने को मिलता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, देन यहाँ पे जो अर्जेंटीना के यहाँ पे जो एंडीज माउंटेन होता है, यहाँ पे कनाडा, यूएसए, अलास्का में देखा जाने को मिलता है, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यहाँ पे जो बहुत सारे ग्लेशियर्स रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो स्टडी किया गया था उसका मेन हाइलाइट्स में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 23 अलग अलग ग्लेशियर सीरीज को यहाँ पे डिस्कस किया, जो स्टडी किया गया था फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1991 से लेके 2015 तक। तो यहाँ पे जो नतीजा आया है उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि सिक्किम की जो ग्लेशियर है यहाँ पे इन कंपैरिजन यहाँ पे जो है हिमालयन ग्लेशियर से ज्यादा मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पे एक जो अल्टीट्यूड का भी बात हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये बोला जा रहा है कि हिमालयन ग्लेशियर का यहाँ पे जो मेल्टिंग इन कंपैरिजन टू द सिक्किम ग्लेशियर थोड़ी सी कम हुई है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि सिक्किम के जो यहाँ पे ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज के वजह से थोड़ी सी यहाँ पे एडॉप्शन भी
खुद से यहाँ पे की है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्लेशियर को यहाँ पे मेल्टिंग होने से रोका जाए। तो इसके जो यहाँ पे मेन कॉजेस हम लोग को जाननी चाहिए कि किस कॉजेस की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रही है। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कि टेम्परेचर बढ़ना। तो टेम्परेचर यहाँ पे कैसे बढ़ रही है, तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी इंडिया में भी अगर बात करेंगे जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है लगभग 70 से लेके 74% तक जो कोल इंडस्ट्रीज यानी कि कोल से एनर्जी प्रोडक्शन होती है, तो इसके वजह से क्या होते हैं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है जो यहाँ पे पूरे दुनिया में जो हीट वेव आती है उसको ट्रैप कर लेती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ती है। ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग की वजह से क्या होती है कि उसमें जो मीथेन एमिट होता है जो एक ग्रीन हाउस गैस एमिट है और ये भी ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पे एस्केलेट करती है। डिफॉरेस्टेशन हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अमेजोन रिवर फॉरेस्ट ऐसी है, डिफॉरेस्टेशन हो रही, तो यहाँ के इसके वजह से जो इफेक्ट होगी पूरे दुनिया में होगी। तो यहाँ पे अगर अमेजोन की ही बात करेंगे, अमेजोन जो वर्षावन है लगभग 20% जो ऑक्सीजन यहाँ से कैरी करती है, तो इस ये अगर होने लगी तो यहाँ पे सी लेवल भी इंक्रीज होने लगेंगी। आइस ब्रेकिंग शिप्स जो आर्कटिक शिप्स में यहाँ पे जाती है तो आइस को जनरली समर में जो जाती है आइस को ब्रेक करके जाती है, और यहाँ पे अगर देखा जाए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज रहती है कंपैरेटिवली ठंडी रहती है बिकॉज यहाँ पे जो आइस शीट होती है यहाँ पे जो आर्कटिक शीट होती है ये काफी व्हाइट होती है जो यहाँ पे हीट एंड जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है जिसके वजह से यहाँ पे गर्मी काफी कम देखने को मिलती है, और इसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काफी इन कंपैरिजन टू द साउदर्न हेमिस्फीयर ठंडा रहता है। तो इसके जो इफेक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेन पहला जो इफेक्ट है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि देखिए ग्लेशियर्स के वजह से जो भी यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स यानी कि जो मेल्ट होके रिवर आती है, यहाँ पे अगर इंडिया के बारे में भी बात करेंगे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये जब हिमालय से आती है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ले यहाँ पे जो रिवर्स का हेल्प लेते। तो इसका अगर रिवर्स ये अगर ग्लेशियर मेल्ट होके खत्म हो गया तो पेरेनियल रिवर्स का यहाँ पे जो फ्लो है वो कम हो जाएगी यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में पड़ेगी। फ्लडिंग, यहाँ पे जितना ज्यादा फ्लड होगा यहाँ पे जितना ज्यादा मेल्ट होगा यहाँ पे ग्लेशियर्स उतना ही ज्यादा यहाँ पे जो है फ्लडिंग होगी। फ्लडिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी कि बहुत सारे ऐसे जगहों पे यहाँ पे जो पीने लायक पानी यहाँ पे फ्रेश वाटर यहाँ पे नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। देन बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर है बायोडाइवर्सिटी है जो ऐसे जो गैलेक्टिक क्लाइमेट में यहाँ पे डिपेंडेंट है। सपोज यहाँ पे अगर बात करेंगे पोलर बियर, तो ये जो है उन लोग की जो एग्जिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे जानवर है जो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट पोलर क्लाइमेट में यहाँ पे यूज टू है, तो उनको यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। दूसरा यहाँ पे जो है कोरल रीफ, तो कोरल रीफ यहाँ पे बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पे उन लोग को सनलाइट चाहिए होता है, लेकिन ये अगर ऐसा ही होने लगा तो कोरल रीफ भी एक टाइम में ऐसा होगा कि ये डिसअपीयर हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉस्ट, यहाँ पे अगर देखेंगे पूरे दुनिया में मेजर जो फाइनेंशियल हब्स है किसी भी कंट्री का वो आपको समंदर के पास में दिखाई देगा, लंदन हो, पेरिस हो, यहाँ पे न्यूयॉर्क हो, मुंबई हो, किसी भी जगह पे। तो यहाँ पे अगर फ्लडिंग होने लगा तो ये जो है फाइनेंशियल कैपिटल को अलग जगह में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसका भी यहाँ पे इकोनॉमिक कॉस्ट देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यहाँ पे अगर जितना पानी कम हो जाएगा उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ेगा क्योंकि फ्रेश वाटर ही यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, तो उसका अगर देखा जाए तो उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे पड़ेगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में यहाँ पे उसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए ग्लेशियर जो है यहाँ पे जो अर्थ में जो हीट आती है या जो लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है, लेकिन ग्लेशियर अगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो ग्रेजुअली क्या होगा पूरे दुनिया का जो टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी और ये एक टाइम में बहुत ज्यादा गर्म प्लैनेट बन जाएगा जो इंसानों के लिए रहने लायक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है ग्लेशियर हम लोग अभी नहीं समझ रहे हैं लेकिन इसका इफेक्ट ग्रेजुअली ये देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग इंसानों ही जो यहाँ पे काम कर रहे हैं 1990s में या 1980s में जो भी यहाँ पे अगर बात करेंगे ग्लेशियर्स है ये ऐसे ही टाइम में अगर 2020 में अगर देखा जाए ये काफी कम हो गई है। तो आइसलैंड में कुछ महीने पहले ऐसे ही एक ग्लेशियर का यहाँ पे जो फ्यूनल भी किया गया था कि वो ग्लेशियर अभी वहां पे नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अगर सिचुएशन आने पड़े तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट लॉस होगी, यहाँ पे इंसानों के लिए रहने लायक नहीं हो जाएगी। तो ये हम लोग की जो ह्यूमन जो
एक्टिविटीज के वजह से ही यही हो रही है। हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और जो यहाँ पे सिक्किम में स्टडी किया गया है कि हिमालयन ग्लेशियर से भी ज्यादा तरीके से फास्टर तरीके से मेल्ट हो रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग सिक्किम ग्लेशियर, जो हिमालयन से भी ज्यादा फास्टर तरीके से यहाँ पे मेल्ट हो रही है। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।